हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते। सो एटलीस्ट किसी भी चीज़ को पहले से ये मत बोलिए कि ये नामुमकिन है। अगर आपने ये सोच लिया तो और कोशिश नहीं करी तो गारंटी रिजल्ट्स तो आने नहीं वाले, पर अगर आपने एटलीस्ट ट्राई करा तो 50% जंग आप तभी जीत जाते हैं जब आपने कोशिश करना शुरू कर दी। तो एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई और सब कुछ हो जाता है। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ प्रियांशु के संग। सो टुडे जो आज हम चैलेंज करने जा रहे हैं वो रियली टफ है, जो कि 110 किलोमीटर्स होगा साइकिलिंग, और जो कि उज्जैन टू इंदौर होगा, इंदौर टू उज्जैन अगेन। तो इट्स रियली टफ, आई एम रियली नर्वस, बट लेट्स सी कि क्या होता है। और बिफोर दैट हमने एक लिस्ट तैयार करी कि जो सामान हमको लेके चलना है और उसके साथ साथ कि हम कहाँ कहाँ स्टॉप्स लेंगे। और सी, दिस इज़ माय फर्स्ट साइकिलिंग वीडियो, और उसके साथ साथ मैं पहली बार सच में इतनी साइकिलिंग मैंने कभी 20 किलोमीटर तक भी नहीं करी है, तो ये मेरा पहली बार होने वाला है ये सब। सो आई होप कि अच्छा जाए, और जब तक ये वीडियो आप लोग देखेंगे तब तक मैं कंप्लीट भी कर चुका हूँगा या फिर नहीं भी कर चुका हूँगा, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। पर अगर मैंने नहीं करा तो भी मैं ये वीडियो डालूंगा ज़रूर। सो अभी हमने क्या सामान नहीं लेने का सोचा है वो है ये गिम्बल, क्योंकि इट्स लाइक अभी इतना थक जाऊंगा उस दौरान कि मैं हो सकता है कि इस गिम्बल का इतना ध्यान नहीं रख सकता हूँ। एक तो वैसे ही एक्सपेंसिव है, और ऊपर से अगर उसको संभालने का उसको संभालने में अलग ध्यान चले जाएगा मेरा। सो अभी इसको नहीं रखते हैं, हमारी वॉच, हमारे ईयरपॉड्स, और उसके साथ साथ हमारा कैमरा और तीसरी चीज़ क्या थी, फ़ोन, पावर बैंक, ये सब चीज़ रेडी है, और बाकी जो नहीं है वो चार्ज पे है। और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने पैक कर ली है, ऑलमोस्ट इस बैग में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सारे सामान आ गए हैं जो भी मुझे ज़रूरत है इस दौरान, कैमरा से लेके सब कुछ। और ये जो बैग होगा वो होगा मेरा जितना भी सामान मुझे उस दौरान चाहिए रहेगा, और आई होप कि ये सब काफ़ी होगा। आई डोंट नो कि मैं जो सोच रहा हूँ वो होगा या ना होगा, देखा जाएगा। और आप लोग तो हैं ही मेरे साथ, सो लेट्स गो विद द फ्लो, बाय बाय। सो गाइस, आई एम रेडी विथ माई ऑल माई स्टफ्स, और अब बस उन सब सामान को बराबर रखना है, और जल्दी से जल्दी करते हैं क्योंकि 4:45 बज रही है, 15 मिनट में पंडित जी घर पे आ जाएंगे और फिर उनके साथ महाकाल जाएंगे और वहाँ से शुरुआत करेंगे हमारी ट्रिप की। सो जल्दी करते हैं। As can see, मैंने यहाँ पे मेरा कैमरा माउंट कर दिया है, प्रॉपर फिट है ताकि वो हिले डुले ना, गिरे ना, और साइकिल रेडी है, कैमरा माउंट हो चुका है। चले पंडित जी, चले महाकाल, लेट्स गो, जय श्री राम। वी आर एट महाकाल, और अभी हमने यहाँ से शुरुआत करने का सोचा है। तो ये रहे हमारे पंडित जी, और पंडित जी अब यहाँ से सीधे 22 किलोमीटर बाद, सो यहाँ से सीधे 22 किलोमीटर बाद रुकेंगे। सो चलते हैं।
हमारी हालत देख रहा है तू, देख तो कीचड़ उड़ उड़ गया। पर यार मैं तो बताऊँ, ये कीचड़ नहीं है, मेरे देश की मिट्टी है। आपको तो मेरे भी नहीं दिख रहा, मैं व्हाइट शर्ट, व्हाइट टी शर्ट। देखो तो मैं सोच रहा था कि तू ये पहन के क्यों आया, स्पोर्टी लुक वाली कुछ पहनना था। स्पोर्टी लुक मैं जम नहीं रहा था, मुझे अच्छी नहीं लग रही। मेरे को हाफ स्लीव की ले लेनी थी आते वक्त, फिर जाते वक्त वो ये टाइटी पहननी चाहिए थी। पंडित जी बहुत प्यारा लुक आ रहा है, तो चला है। टिन 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 टिन। प्यारा लग रहा है। एक सेकंड रुको, मैं रुक के दिखाता हूँ। और आई नो कि कैमरा बहुत पुराना है इसलिए इंसाफ नहीं करेगा, पर बहुत सुंदर जगह है। एरिया और रोड एकदम खाली है, थोड़ा सा हमने ऑफ रोडिंग करी है क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है। हमको अब एक ब्रेक लेना है, पहले ऐसा था कि ब्रेक लेने की इच्छा नहीं थी, अब हमको लग रहा है कि ब्रेक लेना चाहिए, तो ब्रेक लेने जैसी जगह नहीं मिल रही। बस हम सांवेर पे लेंगे, पर सांवेर में अभी लगभग मेरे हिसाब से 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की दूरी होगी। चार से 51 किलोमीटर और जाना है बस शिरडी के लिए, तो ये सब चीज़ें होगी, कभी ये हो सकता पॉसिबल हो, और हुआ तो जोधपुर जाने का मेरा बहुत मन है। उदयपुर देखो कम दूर, 300। जोधपुर जाने का इसलिए मन है क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं, और जिन्हें जो जानते हैं कि किस कारण मैं आना चाहता हूँ, वो दोस्त है ही ऐसे। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है भाई, तो आगे ले ले, अच्छा लगे। तो आफ्टर डूइंग 22 किलोमीटर्स अब हमारा छोटा सा एक ब्रेक है, दूध और राजगरे का लड्डू। वैसे मैंने चाय पीने का सोचा था, पंडित जी को देख के दूध पीने की इच्छा। ये हम रास्ते से आ रहे थे और एक मरा हुआ सांप मिला हमें। अभी ऐसा होता है कि अक्सर हम इन रोडों से आते हैं तो हमें पता नहीं पड़ता हम किन को कुचल के जा रहे हैं। अभी 2 किलोमीटर पहले हमको एक सांप दिखा था, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आप देख सकते हो, वैसे ही मरा हुआ है। कांच के टुकड़े बहुत है देखना, तो तब इस कल शाम को मैं पापा के साथ आया था तब गाड़ी में आग लगी हुई थी, और आप जैसा कि देख सकते हैं हाथ।
जैसा कि आप देख सकते हैं इंदौर का टोल नाका आ गया है। पैर नहीं दुख रहे, कुछ और दुख रहा है। एक बार वापिस पिछला वाला। बताओ पहले अपन को मनाली जाने की खुशी हो तो माने, आज पहली बार इंदौर आने की खुशी हो रही है। सुपर कॉरिडोर में, जी हाँ, आपका सुपर कॉरिडोर में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको विविध प्रकार के लोग दिखेंगे जो कि कपल में भी हो सकते हैं, दोस्तों में भी हो सकते हैं और पति पत्नी भी हो सकते हैं। ये जगह घूमने के लिए बहुत अच्छी है। गाड़ी लगाइए, भुट्टे खाइए, बरसात के मौसम में खूब मौज मनाइए। पंडित जी, समय क्या हो रहा है? समय हो रहा है 11:15। हमने खाना खा लिया है, आराम कर लिया है और आज अभी ही हम यहाँ पे बहुत समय से हैं। मैं किस थोड़ा बहुत दोस्तों से मिल के हम लोग कहाँ वापस निकलते हैं, उज्जैन। क्या बोलते पंडित जी? पर मेरे हिसाब से 12 बजे निकलेंगे तो 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। पंडित जी, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा आ रहा है। ओह माय गॉड, सेक्सी पंडित। पंडित जी पूछ रहे हैं कि मूंछ कटवाए कि मूंछ बढ़ाए। पंडित जी शर्मा रहे हैं। सो गाइस, अब बज गई है 12 और 12 बजे अब हम निकलने का समय हो गया है इंदौर से। और उसके साथ साथ अभी हम इतनी देर से थोड़ा नाश्ता वाश्ता करा, थोड़ा घुमा फिरा और अब निकल रहे हैं। पानी वानी रेडी और निकलते हैं। मिलते हैं आपको रास्ते में। मैंने कुछ देखा, वो दिखाता हूँ आपको। ये साइन दिख रहा है आपको? मुझे लग रहा है ये एवेंजर्स और फ्लैश का दोनों का मिक्स का साइन है। ध्यान से देखिए, ऊंट देखिए आप। ये होता है ऐसे रास्तों पे जाने का मजा। मुझे लगा था जाते वक्त के लिए कुछ नहीं मिलेगा पर हमारे ऊंट महोदय मिल गए। आई होप कि दिस इज गोइंग टू आवर लास्ट ब्रेक। अभी 27 किलोमीटर और बचा है, 26 किलोमीटर उज्जैन और बचा है, उसके बाद घर। यहाँ पे हमारे 110 किलोमीटर कंप्लीट होते हैं और अभी भी घर जाना शेष है। और अब बाकी बातें घर पे करते हैं क्योंकि पंडित जी को जल्दी जाना है आज। बाय बाय पंडित जी। यहाँ से पंडित जी अपने निकलेंगे और मैं अपने घर निकलूँगा।
सो गाइज आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर का बटन दबा दीजिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी दबा दीजिए। तो मेहनत खूब हो गई है, हाथ पर बहुत दुख रहे हैं, हल्दी का दूध तैयार है, पीते हैं और आज आराम करते हैं। तो ठीक है, बाय बाय, शबक है। Oh.